कंसेशन दिया जाता है या सपोर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो इसलिए हम लोग कल रात चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक आंदोलन के बाद आप राजनीतिक आंदोलन भी, आजाद समाज पार्टी काशीराम मजबूती से मध्य महाराष्ट्र में काम करेगा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राहुल भाई, हमारी नेता योगिनी ताई और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के बाली बाबू हमारे साथ हैं। हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है महाराष्ट्र में वो लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे में आज़ाद समाज पार्टी की टीम स्ट्रांगली उसको कंटेस्ट करेगी और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि लोग बहुत ठगे गए हैं, उनका विश्वास टूटा है, तो वो लोग हमें इस बार मदद कराएं, क्योंकि भीम आर्मी के लोगों ने पिछले 6 साल से यहाँ मजबूती से काम किया है और कोई ऐसा इशू नहीं। जिस तरह से नफरत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है महाराष्ट्र में, उस पर भीम आर्मी के लोग स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने मजबूती से लड़ाई न लड़ी, चाहे वो डेमोलिशन का काम हो, जिस तरह से बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए गरीबों को की झुग्गड़ झोपड़ियों को खत्म किया जा रहा है, या और कोई सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसमें भीम आर्मी के लोग स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। और यहाँ तो नांदेड़ में तो क्योंकि एक क्रांति भूमि है, यहाँ बड़े बड़े आंदोलन और तमाम तरह से वार्ड लेवल तक हमारा संगठन है। हमें आशा उम्मीद है कि इस बार महाराष्ट्र में हम लोग अच्छा करें, महाराष्ट्र में लड़ें और मजबूती से लड़ें। हाँ, जो भी स्टेट कमेटी का वो होगा, जितना मुझे स्टेट कमेटी ने ऑर्डर किया मैंने उतना बता दिया आपको। अगर स्टेट कमेटी तालुका और जिला परिषद भी लड़ना चाहेगी तो मैं फिर स्टेट कमेटी या मेरे जरिए आपको सूचना दी जाएगी। पार्टी का एजेंडा क्या? पार्टी का एजेंडा अगर जिस मूल्यों के साथ लोकतंत्र का निर्माण हुआ था वो पूरे नहीं हुए हैं। मैं अगर समस्याओं की बात करूं तो मुझे गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी, लेकिन समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। तो पार्टी का एजेंडा जो लोकशाही के मूल्य हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए और उनके जो मुद्दे हैं उनके लिए उनको सड़कों पर या आंदोलन नहीं करने चाहिए, जो लोग जिन लोगों को अवसर मिला उनको करके देना चाहिए। तो अभी तो जिस तरह की गैर बराबरी है, मैं समझता हूँ कि गरीब लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस देश की आबादी और महाराष्ट्र की आबादी की उसमें मैं करूँ तो बहुत सारे लोग तो जो है प्लेन को सिर्फ उड़ते हुए देखते हैं। उनकी अभी तक उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कि वो उसमें बैठ जाए। तो मेरा ये सिर्फ उदाहरण है इसलिए क्योंकि जब मैं जाके देखता हूँ तो बड़े पैमाने पर जहाँ गरीब लोग रहते हैं वो घर भी ऐसे हैं कि वहाँ 4 आदमी 2 आदमी ज़्यादा रह नहीं सकते, लेकिन वो मजबूर इस सिस्टम में जहाँ वो बराबर टैक्स देते हैं लेकिन वो सुविधाओं से मजबूर है। तो अंतिम व्यक्ति तक भी वो सारी सुविधाएं जो उनका राइट्स रहता है लोकतंत्र में वो पहुँचाने का काम करें। देखिए, ये निर्णय यहाँ की स्टेट कमेटी का होगा और जो निर्णय स्टेट कमेटी का होगा वो स्टेट कमेटी आपको जरूर बताएगी। अभी तो हमने बताया कि हम लोग लड़ने जा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे, कितनी सीट पे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, ये सब चीजें समय के साथ जो है आप लोगों तक आ जाएंगे। यूपी इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में आपकी बार आप गोरखपुर से लड़े थे जी, आपकी पार्टी ने कितने परसेंट वोट हासिल किए और फेलियर होने का कारण क्या क्या लगता है? अब फेलियर होने का बिल्कुल एक ही कारण है, इस विचारधारा को मानने वाले 2 दल थे वहां पर और जनता विकल्प को वोट देती है। इस बार उन्होंने लास्ट टाइम मुझसे कहा कि इस बार हम एक और बार जो है उनको वोट देके देखना चाहते हैं क्योंकि आपका नया दल है और उनकी तरफ से पिछली बार सरकारें बनी है तो हमें उम्मीद है कि इस बार बना सकते हैं। जबकि मैं उन्हें इस बात को समझाता रहा कि अब वो लोग काम नहीं करते हैं तो उनका कैडर खत्म हो गया, तो इसलिए वो लोग हारने वाले। अंत ये हुआ कि उन्होंने इस बार जैसे चयन करने को 2 लोग हों, जैसे मुझे सवाल लेना हो इधर या उधर से 2 पत्रकार सवाल करें तो एक से मैं सवाल लूंगा, तो ये चयन था। जनता ने इस बार उनको चुना और हमें कहा कि आपको अगली बार मौका देंगे। मुझे लगता है इसके अलावा कोई वो नहीं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं तभी हमारा संगठन बड़े पैमाने पे वहाँ काम कर रहा है और जब आंदोलन होते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। सरकार भी अगर आज आम आदमी को कोई परेशानी होती है तो वो पुलिस से पहले भीम आर्मी को फोन करता है, उसको उम्मीद है कि भीम आर्मी के लोग आएंगे तो न्याय मिलेगा। और संगठन बहुत बड़ा है, पूरे रूट लेवल तक है, गांव तक है। सर,
हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार साथी का जिन्होंने पूछा। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर फूले साहब की जो विचारधारा है उसके जरिए हम लोग बूथ लेवल तक जा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि बीजेपी क्यों जीतती है, जब बीजेपी जीत जाती है तो बहुत सारे दल ईवीएम वगैरह का आरोप भी लगा देते हैं, कहते हैं ईवीएम से जीत गए सब चीज़ें। मैं समझता हूँ कि हमें दूसरों के को देखने के साथ साथ खुद की कमजोरियों को भी देखना चाहिए। ईवीएम में हो सकता है दिक्कत हो सकती है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट बीजेपी पन्ना प्रमुख तक बनाती है, दूसरे विपक्ष के लोगों के पास क्या है। तो हमने पन्ना प्रमुख से भी नीचे अपना संगठन बनाया, उसको हम अब ग्राउंड लेवल तक तैयार करें। संगठन के जरिए ही शक्ति बनेगी, और शक्ति से ही हम लोगों को ये जो राजनीतिक परिवर्तन है वो उसका करने का मौका मिलेगा। तो जो 85% शोषित वंचित वर्ग हैं, उनको आइडियोलॉजिकल, जो लोग जिनकी समस्या एक जैसी है और जिनके दुख सुख एक जैसे हैं, उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें विचारधारा के आधार पर। और पन्ना प्रमुख से भी नीचे हमारा संगठन है, जिसमें संदेशवाहक और विश्वास मित्र दो पोस्ट हैं, जो समझिए कि 10 लोगों के ऊपर है। ये विश्वास मित्र 10 परिवारों के साथ कनेक्ट होके उनकी समस्याओं को पार्टी के लोगों को अवगत कराएगा और उनके जरिए उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो हम बड़े पैमाने पर अपने संगठन को जमीनी रूप से मजबूत कर रहे हैं, और छोटे छोटे प्रोग्राम और कैंप्स लगा के उनकी समस्याओं को कलेक्ट करेंगे और फिर उनका निराकरण कराएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे।